क्यों ना करूं बता दो। ए लड़की, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है ना? क्यों नहीं करना चाहते हो? अंकिता दीदी अच्छे से सुन लो, पहले जाओ। हाँ, छोड़ो मेरा, भड़काने के लिए नहीं बोला। मैंने कोई भड़काया नहीं है, मैं किसी को कुछ गलत बोल ही नहीं सकती। गलती तो सबसे बड़ी मेरी होती है ना, कि मैं क्यों किसी। आ गई, बोलो। अंकिता दीदी बताओ, आपने क्या किया है? क्या किया है बता तो दो, क्या किया है? चिल्लाओ तो मत पहली बात। क्यों नहीं चिल्लाऊं? चिल्लाने वाली क्या बात बन रही है? क्यों नहीं चिल्लाऊं? क्या हुआ है बताओ तो सही। अंकेश को क्या बताया आपने, ये बता दो पहले। थोड़ा पहले ना नॉर्मल बात करो और चिल्लाओ मत मुझ पे, ठीक है? नॉर्मल बात नहीं कर रही, चिल्लाओ मत। चिल्ला के बातें करूंगी। क्यों चिल्लाओगी? आपने क्या बातें की है अंकेश से ये बता दो बस। किससे बातें की है मैंने? अंकेश को क्या बातें बताई है आपने? क्या बातें बताई है मैंने? मैंने आपको बातें करने बोली थी, ये नहीं बोली थी कि मेरे से मतलब गुस्सा हो जाए वो, ठीक है? अच्छा, मैंने गुस्सा करवाया? तो मैंने करवाया आपको, मैंने अपनी दीदी समझ के हर बातें बताई थी ना आपको। तो मैंने क्या कर दिया? क्या मैंने क्या कर दिया? बहुत कुछ कर दिया। क्या कर दिया? बहुत कुछ कर दिया आपने। तुमने बोला था मुझसे अंकेश से बात करने के लिए। मैंने बातें करने के लिए बोला था, लेकिन ये नहीं बोला था कि वो गुस्सा हो जाए मेरी बातें मतलब आपकी बातें। नहीं, मुझसे बोला था कि जाके उससे एक बार बात कर लेना दीदी इस बारे में प्लीज। तो अंकिता दीदी मैंने बोला था बात करने के लिए, तो ये मतलब नहीं कि आप मतलब कुछ भी है। वो शर्म नहीं आया थोड़ी सी भी उसको बोलने में? थोड़ा तमीज में ही बोल लो। तमीज में ही बोल रही हूँ, तब से नहीं समझ आ रहा है आपको, तमीज में ही बोल रही हूँ। गलती तो मेरी रहती है ना, सच बताऊं तो गलती मेरी रहती है कि मैं सबसे क्यों इतना ज्यादा मैं फ्रैंक होके बात कर लेती हूँ, क्यों सबको इतना समझ लेती हूँ। सबसे बड़ी गलती मेरी होती है, किसी और की मेरी है, किसी और की। मैंने आपको दीदी बोला, ठीक है, जो अपनी बातें हर बात उनसे शेयर की, गलती मेरी है। हाँ तो क्यों दीदी बोल रही हूँ? नाम लो फिर। नाम क्यों लो? दीदी हो ना मेरे से बड़े, उसके लिए इज्जत कर रही हूँ। तो जरूरत नहीं है दिखावा करके या बोल के, इज्जत की जरूरत नहीं है ऐसे। कोई इतनी मैं इज्जत के मारे मारी नहीं जा रही हूँ तुम्हारी, ठीक है? तुम्हारा जैसा मन है, तुम बड़े हो ना, तुम्हारा जैसा मन से बड़े हो ना। बड़े हो तो क्या, बड़े हो इसके लिए इज्जत से बोलो दीदी बोल, ठीक है? अगर सुनो मेरी बात, आपको थोड़ी भी शर्म रहती है ना, तो अंकित से आप नहीं बोलते। मैंने उससे कुछ भी नहीं बोला, मैंने सिर्फ उससे पूछा। आपने कुछ नहीं बोला है तो वो बोल क्यों रहा था? मैंने तो पूछा क्यों। चिल्ला लो तुम्हें जितना चिल्लाना है। जितना उसने पूछा है। मैं किसी को कुछ गलत बोल ही नहीं सकती। गलती तो सबसे बड़ी मेरी होती है ना, कि मैं क्यों किसी पे बिलीव करती हूँ, क्यों सबको अपना समझती हूँ। वो आपका गलती है, आपका गलती है, मेरा गलती नहीं है। वो गलती मैं तुमसे तो कुछ कह ही नहीं रही। मेरा गलती बिल्कुल भी नहीं है। मैं तुमसे तो इस बारे में कुछ कह ही नहीं रही हूँ। गलती तो मेरी है ना, कि मैं क्यों सबको अपना समझ लेती हूँ। गलती मेरी है और मैंने अंकेश से कुछ नहीं बोला। कितने बार बोल रही हूँ मैं, जब उन्होंने आपकी बातें आपने नहीं बोली है, फिर वो जान कहाँ से रहा है? देखो सुनो मेरी बात, मेरे से तो आके तुम सवाल करो मत, समझ में आ रही है? ठीक है, मेरे से तो आके सवाल मत करो तुम, ठीक है ना? रुको पहले, ठीक है, पहले बातें कर लो मेरी। मेरे को आराम से बातें कर लो। मेरे को तुमसे बात ही नहीं करनी। मैं करनी क्यों बात करनी है मुझे तुमसे? आप बात करो किस लिए? करोगे जब बिगाड़ दी इतनी कुछ कर दी तो बातें नहीं करोगे? इस बारे में बात क्या बार मैंने क्या बिगाड़ी? अंकेश से तुमने क्या बोली है ये बता दो। तुमने पूछा था तो मेरे से गुस्सा क्यों रह रहा है? मेरी बातें भी नहीं कर रही, बताओ क्या कारण है? आपने बताई होगी तभी तो। अबे थोड़ी सी शर्म नहीं आई? पहली बात तो चिल्लाओ मत, ठीक है? चिल्लाऊंगी मैं, ठीक है? हाँ, दूसरी तीसरी बात आप सुनोगे यहाँ पर खड़े होके, मैं चिल्लाऊंगी। अच्छा, कौन हो तुम जो तुम चिल्लाओगी? आपकी है। अच्छा, कौन हो तुम जो चिल्लाओगी मुझ पे? होती कौन हो तुम चिल्लाने वाली मुझ पे? मैं? हाँ, तो आप होते कौन हो जो उसको मेरी बातें जो पर्सनल बातें आपको बताई है? मैंने बोली थी प्रेम से पूछिएगा, ये नहीं कि भड़काने के लिए नहीं बोला था। मैंने क्या उसे लठ मार के भड़काने के लिए नहीं बोला था कि मेरे से एक ही बार में दूर हो जाए वो, ठीक है? सुन लो पहले, ठीक है ना? क्या सुनूं? ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। बताओ ना पहले क्या सुनूं। तो सुनो ना पहले, मुंह बंद करके। नहीं सुन रही। नहीं सुन रही, अपनी अपनी चला जा रही हो। और तब से तुम्हें पता है मैंने उससे क्या बोला? नहीं चलाया। तुम्हें पता है उससे मैंने क्या बोला? क्या बोला? नहीं पता ना तो फिर क्यों फालतू एक्स्ट्रा बोल रही हो? बता दो मुझे क्या बोला है पहले, बता दो। आप ही बताओ क्या बोला। वीडियो देखती हो? हाँ, हाँ, देखती हो ना? हाँ, तो जाके वीडियो में देखो क्या क्या वीडियो मैंने में मुझे नहीं पता वीडियो में क्या हुआ है, ठीक है? मुझे ये बता दो, अपने मुंह से बताओ और क्या चल रहा था। मैंने सिर्फ उससे और आपने क्या बोला जो एक ही बार में उन्होंने पूछ भी नहीं रहा कुछ के लिए। किसके लिए? ठीक है, किसके लिए नहीं पूछ रहा है? लगाने के लिए पूछता था पहले, पूछता भी था। आप तो पूछ भी नहीं रहा जब से तुमसे बातें हुई है, बता दो। अच्छा, हाँ, तुम्हें इतनी आफत हो रही है कि तुमसे उससे प्यार करे बिना रुका नहीं जा रहा है? अंकेश से प्यार की तो बात मैंने बोली थी ना। तो प्यार ही कह रही है, प्रेम से बोली थी, भड़काने के लिए नहीं बोला। मैंने कोई भड़काया नहीं है, ठीक है ना? हाँ, तो फिर मैंने उसे पूछा था सिर्फ इनडायरेक्टली के क्या है अंकेश, तेरा अगर उस लड़की से कुछ है तो मुझे तू बता। हाँ, मैंने उससे कुछ उतने में तो बिगड़ गए ना, प्रेम से बाद में भी पूछ लेते, कुछ अलग से पूछते, कुछ अलग तरीका से पूछते ना। एक तरीका था
अच्छा। पूछने का आपका, सुनो मेरी बात, तुम लोग ना सच बता रही हो, मेरा पीछा छोड़ दो, सच बताऊं तो। अगर तुम्हें ये बताओ, वो मेरे से दूर रह रहा है, मेरी बातें नहीं कर रहा, तुम्हें अच्छा लग रहा है? अच्छा ना मैं उससे मिलती, ना मैं उसके पास रहती, ना वो मेरे रूम में रहता, तो मुझे क्या पता कि तुम लोगों के बीच में क्या है। आपका भाई है ना वो, पता नहीं है आपको? हाँ तो फिर तो? पता नहीं है आपको पता है, कैसा है? हाँ मुझे पता है। तो फिर उसी तरह से आपको पूछना चाहिए था, जिस तरह से मैंने पूछा ना, मेरे को पता है। ठीक है, तुम्हारे बीच में क्या बात हुई है वो मुझे नहीं पता। मैंने उससे पूछा है कि क्यों तू उस लड़की का साथ दे रहा है। मेरे से मतलब वो बातें पूछी, उस दिन से अच्छे से बातें नहीं कर रहा। पहली बात तो अंकेश, ठीक है, जिस दिन से आपसे बातें की है वो, बताओ क्या करूँ? अपना मैटर अपने हाथ में रखो, ठीक है? मैं पढ़ाई लड़ाई छोड़ दूँ? आपने यही चाहते हो बस? तुम क्यों इतना ज्यादा बोल रहे हो? तुम्हें पता है तुम कितना ज्यादा बोल रही हो? आप बता दो, तुम समझ रही हो अभी तुम कितना ज्यादा बोल रही हो? मैं कुछ ज्यादा नहीं बोली, मेरे से कोई इतना ज्यादा बोलता नहीं है। हैसियत है उतनी बोली, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं बोली, ठीक है? मेरे से कोई ज्यादा बोलता नहीं है जितना तुम बोल रही हो, ठीक है ना? तो इसीलिए लिमिट में बोलो, अपनी लिमिट को क्रॉस मत करो, ठीक है ना अंकिता? हाँ। दीदी मैं लिमिट में ही, हाँ तो लिमिट में बोलो मेरे से, लिमिट में ही बोलो, लिमिट आउट मत करो, ठीक है ना? अगर मैं चुप होके सुन रही हूँ तुम्हारी तो, और इसमें कोई मेरी गलती नहीं है। मैंने नहीं बोला कि सुनो, ठीक है मेरी बातें, मैंने ये बोली जो मैंने आपने से बातें बोली वो अंकेश को आपने, तो अंकेश से जाके अपने आप बात कर लो कि उसने क्या बोला, उसने क्या नहीं बोला, ठीक है? उससे तुम डायरेक्ट पूछ लो, अगर तुम्हें इतना प्यार का शौक है ना तो उससे जाके। आप चिल्ला रहे हो तो मैं आपको स्लो मो से मैं बात करूँ कि जोर से बातें करूँ? मैं तो आते ही तुम पे चिल्लाई नहीं हूँ ना, नहीं चिल्लाई तो मैं चिल्लाई हूँ ना, मैंने चिल्लाया आपकी बात। आप अंकेश से बात करो, पहली बात सुन तो लो, कहाँ चली? अभी बोल रही हूँ मेरी बात सुनने की जरूरत नहीं, अब बोल रही हूँ सुन लो। क्या सुनूँ मैं तुम्हारी बात? क्यों नहीं सुनोगे आप? क्यों सुनूँ मैं? बिगाड़ तो दिए हर चीज, अब सुनोगे तो है ही ना। आपने क्या बातें की थी अंकित से ये बता दो पहली बात, तब जाना। तुम कौन होती हो? सुनो मेरी बात, बैठ के बता। तुम होती कौन हो जो मुझसे सवाल करोगी? थोड़ा प्यार कर दिया था तुमसे क्या? ठीक है चलो छोटी हो, दीदी बोल रही हो, लेकिन कोई ना प्यार के लायक ही नहीं है, वो भी अंकिता के। हाँ तो मैंने ना तुम पे भरोसा किया था, ये नहीं बोला था ये भड़काने के लिए, ठीक है? दीदी का लड़की मतलब जानती, ज्यादा मत बोलो, ठीक है? मतलब जानती हो, ज्यादा मत बोलो। दीदी का मतलब जानती हो कि नहीं? बता, अगर तुम जानती होती ना तो ऐसे इस बिहेव में मुझसे बात नहीं कर रही होती। मैं करती हूँ ऐसे अच्छे से, अपनी दीदी मानती हूँ, इसके लिए कर रही हूँ। आपने जो किया है ना बहुत गलत किया है, ठीक है? पहले तुम कुछ भी मतलब बिना सर पैर की बात बोले जा रही हो, बोले जा रही हो। बोलूंगी ना, आपने बिगाड़ रखी है। क्यों बिगाड़ी? किससे बिगाड़ रखी है? अंकित से क्यों मेरी बात है? मतलब तुम अंकित से खुद से बात करो, ठीक है ना? मेरी बात अंकिता दीदी अच्छे से सुन लो, पहले जाओ। हाँ छोड़ो मेरा, ठीक है? पकड़ो मत मेरा हाथ, बात तो बड़े हो ना तो रुकने तो बोलूंगी ना। हाँ तो क्यों रुकूं मैं? हाँ तो क्यों रुकूं? क्यों नहीं रुकोगे? क्यों रुकूं मैं? क्या करूं तुम्हारी बात सुन के? अरे रुकोगे ना आप, जब हर चीज बिगाड़ दी है तो रुकोगे? क्यों नहीं रुकोगे बता दो। तुम जाके अपने आप अंकित से बात करो। अंकिता दे मैं बोल रही हूँ, जब से सुन नहीं आ रही है बिल्कुल भी, बैठ जाओ। शर्म नहीं है तुम्हें तो इतनी कुछ करने के बाद जा रही हो? चुपचाप बैठ जाओ, मेरे से बातें। मेरे पे ना हुकुम मत चलाओ, ठीक है ना? अरे बस चला रही, मेरे पे ना जोर मत चलाओ, आवाज को नीचे करके बात करो, ठीक है? आवाज नीचे करो पहले। मैं नहीं कर रही आवाज नीचे, मैं तो नहीं। हां तो मेरे से बात मत करो, ठीक है? करनी बातें क्यों ना करूं? क्यों ना करूं बता दो। ए लड़की मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है ना? क्यों नहीं करना चाहते हो? ए चिल्लाओ मत मेरे पे, ठीक है ना? अंकिता दीदी मैं बोल रही, बैठ जाओ चुपचाप, मुझे बताओ अंकेश से आपने क्या बोला है, ठीक है? अंकेश से प्यार करती हो ना? हाँ करती हूं। करती हो ना? हाँ। तो जाके अंकेश से बात करो। मैं तुम लोग मुझे क्यों बीच में खींचते हो सारी चीजों में? अरे मैं अंकेश से मैं फंस जाती हूँ बीच में आके। अंकित दीदी मैं करना चाहती ना अंकेश से बातें, मैं बोल सकती तो आपको नहीं बोलती, ठीक है? करने के लिए तो मैंने की ना। क्यों की? तो ऐसे बातें की भी तो आपने, ऐसे क्यों की? तुम तो चाहती हो कि तुम्हें आके वो सीधा प्रपोज कर दे, ये चाहती हो ना तुम तो? मैं ये नहीं चाहती हूँ, चाहती तो मैं खुद बोल देती उससे। आप तो ऐसे भड़के जा रहे, पहले बात ही कर लो। अंकित दीदी बात करो खुद अपने आप उससे।